अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप तब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोरमे की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं और उसमें मैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक स्लाइस कट करके हमें ब्राउन फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, इससे हमारी प्याज जो है वो बहुत अच्छी फ्राई होएगी। तो फ्राई होने के बाद हमें प्याज को जो है वो तेल से निकाल लेना है। इस तरीके से हमें प्याज को छान के निकालना है ताकि जो है हमारी प्याज तेल के साथ ना आए। तो चलिए इस तरीके से हम प्याज निकालेंगे तो हमारी जो है वो सिर्फ प्याज रह जाएगी और जितने भी इसमें तेल है वो नीचे गिर जाएगा। तो चलिए अब मैं प्याज को एक बड़े बर्तन में रख दूंगी इसे ठंडा होने के लिए, जब तक ये एकदम ठंडा ना हो जाए और ये ठंडा होने पे एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसे मैं अब रख दूंगी ठंडा होने के लिए इस तरीके से फैला के। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं लूँगी 1/2 kg चिकन। तो यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ और इसमें मैं लूँगी 100 ग्राम के करीब दही और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। चिकन में मैं इसे ऐड करूँगी। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं लूँगी 1 teaspoon मैंने लिया है धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 teaspoon मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैं लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था वही हमें तेल ले लेना है। तेल यहाँ पे मैंने 3 बड़ा चम्मच लूँगी, इससे हमारा चिकन बहुत अच्छा तैयार होएगा। तो चलिए अब सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसे फिर स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके इसे मैं मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर रख दूँगी, 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम प्याज को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ठंडी हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी हो गई है। इस तरीके से हमें अपने हाथों से इसे मैश कर लेना है और जो है इसे हमें मिक्सी जार में पीसना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को हाथों से मैश कर दिया है। तो चलिए अब मैं एक फ्राई पैन को गरम कर लूँगी, उसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर दूँगी और इसे हमें 5 से 7 मिनट तक पका लेना है, जब तक कि इसमें जो है पानी ना आ जाए और दही और चिकन इसमें पानी छोड़ देगा, इसके लिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए थोड़ी देर मैं इसे पका लूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी तो इसमें पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हो। और चिकन को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 70% पका लेना है। तो चलिए इसे मैं ढक के 2 मिनट और पका लूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा और कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है और मैं 2 मिनट इसे और पकाऊँगी। 2 मिनट में लगभग हमारा चिकन जो है वो 70% पक चुका है। तो चलिए ये देखिए इसमें पानी जो है वो मज़े से रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे चिकन मैं चेक करती हूँ। तो चिकन हमारा 70% कुक हो चुका है। अब मैं चिकन को मसाले से निकाल लूँगी। इस तरीके से हमें चिकन को निकाल लेना है ताकि मसाला जो है हमें भूनने के टाइम पे हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ना गल जाए और इससे हमारा चिकन टूट जाता है। तो चलिए इस मसाले को मैं पका लूँगी हाई फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाई फ्लेम पे हमें मसाले को एकदम सुखा लेना है। इसका पानी तो यहाँ पे हमारा मसाला जो पक रहा है। अब इस पर मैं प्याज को ऐड करूँगी जो मैंने रेडी करके रखा है, वो मैं इसमें डाल दूँगी और मसाले के साथ मैं इसे थोड़ी देर भून लूँगी।
अच्छे से हमें चला के सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो वो लगभग रेडी हो चुका है, तो चलिए हम चलते हैं कुछ मसाले रेडी करने। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 छोटी इलायची, लौंग, 1 फूल और जावित्री, 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये थोड़ा दरदरा टाइप का रहेगा तब भी चलेगा, इसे हमें बहुत बारीक नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा दानेदार मसाला जो है वो बहुत अच्छा रेडी है और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इसे मैं ढक के बॉयल होने दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ग्रेवी जो है वो बॉयल होने लगी है। अब इसे मैं चला लूँगी और इसमें अब हमें चिकन को ऐड कर देना है, जो मैंने चिकन को रखा था निकाल के। बाकी के 30% जो रह गई है इसमें कसर, वो मैं ग्रेवी के साथ पका के चिकन को गला लूँगी। तो ग्रेवी में हमें चिकन डाल के अच्छे से इसे चला लेना है। और जो मैंने मसाले को रेडी किया है गरम मसाला, वो मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चिकन बहुत अच्छा हमारा बनता है। तो चलिए इसके ऊपर से हमें डाल के चला लेना है और इसे मैं अब थोड़ी देर पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा अब हमें नहीं पकाना है, जब तक कि हमारा चिकन 30% पक ना जाए तब तक हमें इसे पका लेना है ढक के। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। देखिए आप कितना अच्छा रेडी है हमारा चिकन और इसका कलर भी कि बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।